दोस्तों आइए अब एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही प्रोफेशनल एंड इंटरेस्टिंग फंक्शन हाइपरलिंक्स के बारे में हम समझते हैं हाइपरलिंक्स का मतलब क्या होता है कि वो लिंक्स दी रहती है और लिंक्स में क्लिक करते बराबर हमें रेफरेंस पॉइंट पे या फिर सोर्स पॉइंट पे लेके चल जाता है जहां पे हम उससे अटैच करते हैं ठीक है आइए एग्जाम्पल के जरिए इन सब चीजों को समझते हैं दोस्तों ये एक क्लाइंट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है हमारे पास जो आप देख पा रहे हैं ऑल राइट दिस इज द प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं इसके इंडेक्स पेज में जाता हूं दिस इज द इंडेक्स पेज ऑल राइट आई होप यू कैन सी दिस दोस्तों मैं ये प्रोजेक्टेड प्लान पे लिंक लगाना चाहता हूँ ठीक है अब देखिए मैं क्या करूँगा मैं इस सेल पे आ गया सेल पे आने के बाद हमने देखा था रिबन में इंसर्ट टैब वहाँ से हम ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं तो इंसर्ट टैब में जाने के बाद मैं हाइपर लिंक में क्लिक करता हूँ यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्टेड प्लान्स पे नंबर वन पे मैं कौन से लिंक लगाना चाहता हूँ कौन से मतलब लिंक क्लिक करके कौन से सोर्स पे ये चीज़ चले जाएगी कौन से शीट पे ये चीज़ चले जाएगी वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ प्रोजेक्ट प्लान्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शीट्स जो है पूरे हमारे ये एक्सेल वर्किंग में वो आपको यहाँ पे दिखेगी मैं यहाँ पे इसे लिंक करना चाहता हूँ प्रोजेक्टेड प्लान्स वाली एक सेपरेट शीट बनी हुई है ये दिख रही है यहाँ पे ओके okay क्लिक कर देता हूं अब दोस्तों देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे यहाँ पे लिंक क्रिएट हो गई मतलब दिस इज नाउ क्लिकेबल थिंग ऑलराइड आई कैन क्लिक हेयर एंड इमीजिएटली व्हेन आई क्लिक इट विल टेक मी टू दिस प्रोजेक्ट सो फ्रेंड्स so ये बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फंक्शन हमने सीखा ये फाइनेंशियल मॉडलिंग में अक्सर एक इंडेक्स की तरह यूज़ होता है या बेसिकली uh, uh, दूसरे रेफरेंसेज या फाइल को रेफरेंस करने के लिए ये यूज़ होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग